फाइनली सैमसंग ने वन हैंड ऑपरेशन प्लस के लिए एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी अपडेट के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं इस नए अपडेट के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक 90 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गैलेक्सी स्टोर को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपडेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के अपडेट आपको शो होंगे। तो यहाँ पर आपको वन हैंड ऑपरेशन प्लस को चूज कर लेना है, यहाँ पर शो कर रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है, व्हाट्स न्यू में देख सकते हैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स और फीचर्स ऐड किए गए हैं। बात करें इस अपडेट के वर्ज़न की तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, 5.6.25.04 MB का अपडेट है। तो आपको इसे लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट कर देना है। अपडेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट है इम्प्रूव फ्लोटिंग नेविगेशन बटन्स फीचर। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंडल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लोटिंग नेविगेशन बटन को चूज कर लेना है। यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, साथ में आप साइज को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है फ्लोटिंग नेविगेशन बटन, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है फ्लोटिंग नेविगेशन बटन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो होम, बैक और रिसेंट, यहाँ से पिन हो जाएगा नेविगेशन बटन। तो ये फीचर देखने को मिलता है, तो इसको यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है इस नए अपडेट के अंदर। बात करें सेकेंड इम्प्रूवमेंट की तो अप्लाई थीम कलर ऑन क्विक टूल। तो आप अगर क्विक टूल का उपयोग करते हैं, यहाँ पर आप कोई भी अगर वॉलपेपर अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर मैं कोई भी वॉलपेपर यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो क्विक टूल है यहाँ पर। जब आप क्विक टूल को ओपन कीजिएगा तो जो यहाँ पर थीम है वो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट किया गया है सैमसंग की तरफ से क्विक टूल के अंदर। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर फिक्स्ड डुप्लीकेट वाइब्रेशन, तो यहाँ पर कई बार दो बार वाइब्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता था, अगर आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है इस नए अपडेट के अंदर, जो कि अब आप अगर एक बार क्लिक कीजिएगा तो एक ही बार वाइब्रेशन आएगा। इसके बाद अदर स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स, तो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो ये कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स और फीचर्स ऐड किए गए हैं सैमसंग की तरफ से वन हैंड ऑपरेशन प्लस में। तो गैलेक्सी स्टोर पे जाकर अपडेट कीजिए वन हैंड ऑपरेशन प्लस को। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।